आज का वीडियो हिंदी में होगा और आज हम चर्चा करेंगे त्रिकोण के ऊपर। त्रिकोण जो कि हमारे कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण घर है। जब मैं त्रिकोण कहता हूं तो मैं खाली 1, 5, 9 की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि 1, 5, 9 जो है वो अर्थ त्रिकोण है, सॉरी धर्म त्रिकोण है वो, और फिर 2, 6, 10 जो है वो भी एक त्रिकोण है, वो अर्थ त्रिकोण है। फिर 3, 7, 11 जो वो काम त्रिकोण है, और 4, 8, 12 जो है वो मोक्ष त्रिकोण है, हम सब जानते हैं। तो कृपया ये ना समझिए कि त्रिकोण मतलब 1, 5, 9, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे करें हम, इनका इनका दशा में, गोचर में, इनकी इनसे हमें क्या सीख मिल सकता है, ये कैसे देखें, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे से कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में आपको, उसमें आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा नीचे, ठीक है। और त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, जैसा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ये 4 चीजों को समझना बहुत जरूरी है, और कुंडली के जो 12 घर है वो इन्हीं इन्हीं 4 चीजों को दर्शाते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो जैसा धर्म त्रिकोण हो गया, धर्म त्रिकोण क्या है? धर्म त्रिकोण सबसे पहले आपका लगन, फिर पंचम, फिर नवम। तो पंचम क्या है, नवम क्या है? जैसा लगन आप खुद हो गए अपने, क्योंकि आपको अगर धर्म के बारे में जानना है कि हम ज्यादा धार्मिक कैसे हो, आध्यात्म की तरफ कैसे जाए, तो आपको पहले एक शरीर लेना पड़ेगा, और वो जो आपका लगन है वो आपका बुद्धि का भी घर है। तो आमतौर पे लोग सोचते हैं कि जो पांचवा घर है वो बुद्धि दर्शाता है, वो बुद्धि नहीं दर्शाता है पांचवा घर। पांचवा घर ये दर्शाता है कि आपके इस दुनिया में चीजों को समझने की ताकत कितनी है, वो पांचवा घर बताएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलिजेंस या ग्रास्पिंग पावर। लेकिन लगन के लिए शास्त्रों में जो वर्ड, जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है धी। जैसे श्रीमद् भागवतम के पहले ही श्लोक में कहा गया है, जन्माद्यस्य यतहोन भयाद इतरतश्चार्थेषु भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन निरस्त कुहाकम् सत्यम पराम धीमहि। ये जो लास्ट का अंत के जो 2 शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। ये धीमहि, इसका क्या मतलब है? धीमहि का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि हम आध्यात्म की तरफ बढ़े, तो हमें अपना धी, जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारा ज्ञान है, उसको हमें ये, जैसे भागवतम है, जैसे गीता है, ये सारा चीज हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा कि क्या है ये, ठीक है। तो ये धी शब्द जो है ये गुरु का शब्द है, और वो गुरु गुरु ही जो है वो जो हमें बताते हैं कि गुरु, मतलब मैं यहाँ गुरु ग्रह की बात नहीं कर रहा, वो ग्रह तो है ही, लेकिन गुरु जो जो इंसान है वो हमें बताते कि कैसे आध्यात्म धर्म में प्रगति करनी चाहिए, वो गुरु का कर्तव्य है। तो जब हम गुरु की बातें सुनते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते, तो धी जो है, हमारा जो लगन है, वो और ताकतवर हो जाता है, क्योंकि तब हमें लाइफ में, जिंदगी में वो डायरेक्शन मिल जाता है, वो दिशा मिल जाती है कि कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे, क्या ना करे, कब करे, क्यों करे, किसके साथ करे, ठीक है। वरना हम यूं ही भटकते रहते हैं। जैसे भागवत में कहा गया है कि हरावा भक्तस्य कुतो महत गुणान मनोरथे नासति धावतो बहि। जैसे जिन लोगों को आध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, उनका जो मन है, मनोरथे ना सती धावतो वही, इसका अर्थ है कि मनोरथ में सवार होके निकल पड़ते हैं वो। आज मुझे ये आदमी पसंद है, कल वो स्त्री पसंद है, आज ये देश पसंद है, कल दूसरा देश पसंद है, आज ये क्रिकेट जीत गया, कल वो फुटबॉल हार गया। तो मन का जो उनका रथ है, जिसका संयम उनके पास नहीं है,
जहां भी ये रथ जाता रहता है, ये लोग वहीं जाते रहते हैं। तो ये लगन है, तो लगन को स्थिर करना बहुत जरूरी। फिर पंचम है आपके आपके जो संतान है वो पंचम है, और नवा घर आपके पिता का घर है। तो पिता का जो परम कर्तव्य है सबसे पहला वो क्या है, वो आपको धर्म का ज्ञान देना, वो आपके पिता का परम कर्तव्य है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक आता है, गुरु न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। ये जो पूरा श्लोक है इसका अर्थ ये है कि किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, किसी को पिता बनने का अधिकार नहीं है। जननी मतलब माँ, जिसे जानते हैं हम सब। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई है कि किसको किस चीज का अधिकार नहीं है। अगर कोई आपके आध्यात्मिक उन्नति नहीं करवा सकता उसका, तो आपको ये बनने का अधिकार नहीं है। मतलब कि अगर आप गुरु हो या किसी के माता या पिता हो, तो आपका परम कर्तव्य ये है कि आपका जो बेटा या बेटी हो उसकी आध्यात्मिक प्रगति उन्नति हो रही है कि नहीं, या बस आप खाली उसके रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में ही लगे हुए, उसका उसका कैरियर ठीक करो, उसका शादी ठीक करो, उसका हेल्थ ठीक करो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो सब ठीक नहीं करना है, वो भी ठीक करना है, लेकिन आपका जो परम कर्तव्य है वो ये है कि आप आध्यात्म की ओर उसको लेके जाए, उसको प्रेरणा दे अपने आचार से। इसलिए जो शब्द आचार्य उसका अर्थ है जो अपने अपने व्यवहार से दूसरों को सिखाता है, वन हु सेट्स द एग्जाम्पल बाय हिज ओन बिहेवियर, उसको आचार्य बोला जाता है। और पंचम हम सब जानते हैं। तो मैं, मेरे संतान और मेरे पिता, ये एक्चुअली असल में देखे तो ये एक ही लाइन में है, क्योंकि मेरे पिता से हम आए हैं ना, मैं आया हूँ, फिर मेरे से मेरे संतान, तो ऐसे परंपरा चलती है। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ त्रिकोण, ये हो गया धर्म त्रिकोण हमारे। ठीक है, उसके बाद अर्थ त्रिकोण पे आ जाते हैं, जो दूसरा है, छठा है, दसवां है। तो ये क्या है, ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण मतलब कि अर्थ का अर्थ ये नहीं है कि बस पैसा। अर्थ जैसे जैसे एक शब्द अनर्थ और दूसरा है अर्थ। तो अर्थ का मतलब है कोई भी मूल्यवान चीज। ठीक है, तो लोग कई बार ये गलती कर देते हैं कि दूसरे छठे और दसवें को हमेशा पैसे पैसे से जोड़ते लोग। तो और इसके पहले मैं एक बात बोलना भूल गया, जैसे मैंने कहा था कि इसको इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे ज्योतिष में। तो जैसे पहला धर्म त्रिकोण के बारे में बोलना भूल गया मैं, जैसे पहला पांचवा नौवा है, तो वो अंग्रेजी में भी वो कहते हैं ना जीन्स जो आते हैं, जैसे आपके माता या पिता में कोई एक क्वालिटी है तो उसका जीन आप में भी होगा। तो उसमें स्वाभाविक है कि आप में भी वो चीजें आएंगी, अगर वो आपके माता पिता में है कुछ प्रतिशत, और आपके बेटे या बेटी में भी वो गुण आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब आप ज्यादा रिसर्च करेंगे एस्ट्रोलॉजी पे, तो ये देखा जाएगा कि जो चीजें आपके बुजुर्गों के कुंडलियों में पाई जाती है वो अक्सर आपके बेटे या बेटे बेटी में भी पाई जाती है, या आप में पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए गुरुजनों ने कहा है कि त्रिकोण को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप त्रिकोण खराब करेंगे, जैसे अध्यात्म की तरफ ना जाके अगर आप खाली भौतिक चीजों के पीछे लगे रहेंगे, रोटी कपड़ा मकान के पीछे, तो क्या होगा, वो सारा जो व्यवहार है वो आपके संतान में भी आ जाएगा, फिर आपके संतान भी वैसे होंगे आपके जैसे। और अगर आप आध्यात्म की तरफ जाते हैं, प्रगति करते हैं, तो वो आपके संतान में भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके दशा में कोई आपका ग्रह बैठा है त्रिकोण में, तो उस टाइम आपको समझना चाहिए कि इस दशा में मैं जो करूंगा इस ग्रह ग्रह को लेके, जैसा मान लो आपकी शुक्र की दशा है, शुक्र आपका पांचवें में है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस दशा में मैं जो करूंगा वो भविष्य में
मेरा जो वंशा जाएगा, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी, उस पे उसका असर आएगा। ठीक है, तो केंद्र जो है 1, 4, 7, 10, प्राइमरीली 7, 4 और 10, ये वो चीजें बताते हैं जो बाहरी तरीके से हो रहा है आपकी जिंदगी में। ठीक है, लेकिन त्रिकोण वो बताता है जो आपके अंदर में हो रहा है। आप अंदर में अपना विवेक, आपका किस किस तरफ जा रहा है आपका विवेक, आप पे सुबुद्धि ज्यादा आ रही है कि कुबुद्धि ज्यादा आ रही है, आप पे करुणा ज्यादा है कि ईर्ष्या ज्यादा है। जब भी आप किसी को तड़पते देखते हो, किसी भी संदर्भ में, जैसा आर्थिक या वैवाहिक या शारीरिक तौर पे, तो आपको खुशी होता है कि देखो ये रो रहा है, मैं हंस रहा हूं, या आपको दुख होता है? जब कोई खुश होता है तो आपको सुख होता है कि आपको दुख होता है? ये इतना खुश कैसे है, मैं इतना दुखी क्यों? ठीक है, तो ये त्रिकोण है। तो त्रिकोण में जब भी कोई ग्रह है जिसकी दशा एक्टिव हो जाती है, तो हमें हमेशा उसका सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि और आप ये भी देखेंगे कि अगर त्रिकोण में कोई ग्रह है, जैसा अर्थ त्रिकोण में, जो जिसकी दशा में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है किसी भी जगह, किसी भी आपके जिंदगी में, तो आप ये जरूर देखेंगे कि वो परेशानी शायद या आपके माता या आपके पिता या आपके दादा या नाना, दादी, नानी, किसी में, किसी तरीके से, किसी प्रकार से, किसी दशा में वो परेशानी जरूर आई होगी। वो एकदम वही वाला सेम परेशानी, मतलब वो क्वांटिटी में फर्क हो सकता है पर मात्रा अलग अलग हो सकती है। जैसे आप देखेंगे कभी कि जैसा मैं बहुत सारे लोगों का कुंडली वगैरह जब देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि अगर जैसे किसी के माता पिता का अगर कोई डिप्रेशन जैसे कुछ दिक्कतें होंगी जिंदगी में ना, तो ऐसा होता है कि वो सारी चीजें मुझे उनके जो बेटा या बेटी उनमें भी दिखता है। हो सकता है उतना ना दिखे, बट उसके हिंट्स मुझे दिखते हैं। ठीक है, तो जब त्रिकोण में कोई ग्रह है आपके धर्म त्रिकोण में, जो दशा जिसकी चल गई है और उसमें आपको दिक्कत हो रहा है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपके जो बुजुर्ग है उनसे उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि मुझे जो ये दिक्कत अभी हो रहा है, हमारे परिवार में किसी और को हुआ था क्या, ये मेरे किसी पूर्वज को? खैर आप 10 पूर्वज तक तो नहीं जा सकते, लेकिन आप 2 या 3 तक तो जा ही सकते हैं। आप है, आपके माता पिता, उसके बाद आपके दादा दादी, नाना नानी अगर है तो, किसी 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 के लोगों के परदादा भी होते हैं, तो उनसे भी जाके आप पूछ सकते हैं, या तो आपके जो रिश्तेदार है उनसे पूछ सकते हैं कि क्या है, समझ रहे? तो वो लोग बहुत अच्छे से आपको सलाह दे सकते हैं कि ये एरिया में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आप ये मत समझिए वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपके पूरे वंश में चला आ रहा है वो प्रॉब्लम, वरना वो आपके कुंडली में नहीं होता वो जो समस्या आपको हो रही है। क्योंकि धर्म त्रिकोण जो है वो आपके पूरे वंशज से उसका ताल्लुक है। ठीक है, तो खैर समय बहुत हो गया है, अब संक्षेप में चलते हैं बाकी त्रिकोण पे। तो जैसे आपका अर्थ त्रिकोण है, फिर अर्थ त्रिकोण है 2, 6, 10, तो इसमें कोई भी चीज जो जैसा अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू वैल्यू ऐड करता है आपके लाइफ में, कोई भी चीज जिसके वजह से आपको लगता है कि मेरा कुछ तो है इस संसार में, या मैं कुछ हूं, इसीलिए जो दूसरा घर है ज्योतिष में वो आपके सेल्फ एस्टीम का घर है ना, जो आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपका अपने पे विश्वास कितना है, आपका अपने पे कितना संतुलन है, आपका विकारों से कितना आप अपने आप को संतुलित रख सकते हो, वो दूसरे घर से देखा जाता है। तो दूसरे, छठे और दसवें में जो भी ग्रह होंगे, या उनकी जब दशाएं चल पड़ेंगी आपकी अंतर दशा, महादशा, प्रत्यंतर, जो भी,
उसमें आप ये देखेंगे कि आपके जिंदगी में एक एरिया ऐसा आएगा जिस पे आपको बाहरी तौर पे कुछ प्राप्त करने की बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा जागृत हो जाएगी। अगर दूसरा घर है तो वो उतना बाहरी तरीके से नहीं होगा, वो अंदर की बात होगी, जैसे आपके घर वाले हैं, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का भी है। लेकिन छठा घर जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन में आप जीतते हैं तो क्या होता है, आपको बड़ी खुशी मिलती है, ओ मैं जीत गया, देखो इसको हरा दिया मैंने, सबको हरा दिया मैं। और दसवां घर क्या है, जो आपका स्टेटस है, आपका जो मान सम्मान, आपका पद प्रतिष्ठा, वो है। तो वो होता तो आपको क्या लगता है कि कुछ है मेरे पास जिंदगी में? ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है मेरे पास। तो जब ये त्रिकोण के जो ग्रह जो इन त्रिकोणों में बैठे हैं, 2, 6, 10 में, जब ये इनकी दशाएं चल पड़ेंगी, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा जो चीजें है इस दुनिया में, मुझे थोड़ा या तो उसमें आपको समस्या आएंगी कोई, या तो उस एरिया में आपका ग्रोथ होगा, मतलब और आगे जाएंगे उस एरिया में, वो किसी भी त्रिकोण में हो। इसीलिए वो नाड़ी में एक कहते भी है कि त्रिकोण जो है वो एक ही घर जैसा है। तो दूसरा घर, छठा घर, दसवां घर एक ही है, बेसिकली असली में एक ही है। ये तीन अर्थ के अलग अलग प्रकार है, ठीक है। उसके बाद काम त्रिकोण पे आ जाते हैं। काम त्रिकोण क्या है, 3, 7, 11, सारा काम आयन इन्हीं तीनों घरों में। और कभी कभार ये जो त्रिकोण है, ये एक दूसरे के जैसे, एक दूसरे जैसे तीसरा घर है, वो कभी कभार मदद कर सकता है सातवें या ग्यारहवें घर को, क्योंकि वो एक ही घर जैसा है। मतलब कि जैसा मान लो किसी का एकादश, जो कि 11th हाउस है, 11वां घर, उस पे बहुत सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं या उसकी दशा चल रही है। तो ऐसा बहुत 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 बार देखा गया है, मैंने भी देखा है, और बहुत सारे विद्वान ज्योतिषियों से भी मैंने बात की इस बारे में। एकादश भाव जो लाभ भाव है, तो उस एरिया में क्या होता है, कभी भी अगर उस व्यक्ति की आयु 20 से 30 साल के बीच में है, मान लीजिए 25, 27, 26, 28 या 35 से भी नीचे, या उससे भी थोड़ा ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय वो आदमी का विवाह हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? और ऐसा देखा गया है कि तीसरे घर का जब दशा आता है, या तीसरे तृतीय भाव के स्वामी, वो उसकी दशा चल पड़ती है। तो ऐसा देखा गया है बहुत बार कि आपका जिस जीवन साथी से आपका विवाह होगा, वो जीवन साथी को मिलते हैं आप, ऐसा देखा गया है बहुत बार। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि ये तीनों जो घर है, ये एक ही है, क्योंकि सातवां घर जो है वो विवाह का है, और एकादश जो है वो आपकी इच्छा पूर्ति का है, और तीसरा जो घर है वो, उसको मैथुन भाव बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे जैसे राहु, राहु जो है, राहु को ऐसा कहा जाता है कि वो कुंभ राशि जो है, एक्वेरियस, उसका स्वामी है वो। तो कुंभ से वो, क्योंकि राहु का दृष्टि है ना, राहु 5वें और 7वें पे दृष्टि डालता है, 5वें और 9वें पे। तो कुंभ राशि से राहु तुला राशि पे दृष्टि डालता है, ठीक है। तुला राशि जो, वहां से नौवा स्थान जो है कुंभ राशि से, उसके बाद मिथुन राशि जो वहां से पांचवा है, वहां पे भी दृष्टि डालता है, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है कि जरूरी नहीं हो कि अगर आप विवाह करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं हो कि सातवां घर में ही के ग्रहों की ही दशा आपकी चलनी है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरा घर आपको विवाह दे देगा, वो नहीं दे सकता है, क्योंकि विवाह के लिए वो लिखित वो जरूरी है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करते हैं हम लोग, वो सातवां घर है।
लेकिन वो एक ऐसा माहौल बना सकता है जिसमें कि आपका विवाह होना और ज्यादा स्वाभाविक हो जाए आपके देश काल पात्र के अनुसार, ठीक है। और तीसरा घर, सातवां तीसरा घर क्या है, जो आपके जो आप जिन लोगों को बस जानते हैं या जो लोग आपको जानते हैं बस, वो तीसरा घर है। जैसे तीसरा घर YouTube का भी है, तो YouTube में मान लो किसी एक आदमी का 10 लाख सब्सक्राइबर है, तो अभी क्या होता है, वो जो 10 लाख लोग जो सब्सक्राइब कर रखे हैं उस चैनल को, वो जो यूट्यूबर है, ये 10 लाख लोग क्या उस यूट्यूबर को पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं? नहीं जानते हैं। बस उनका एक हिस्सा जानते हैं कि इस आदमी का या इस औरत का कोई एक एरिया पे ज्ञान है जो बांटता है यूट्यूब में, बट उस यूट्यूबर के लाइफ में बाकी क्या चीजें चलता है नहीं चलता है, अच्छा बुरा जो भी हो जैसा भी हो, वो पढ़ाई में कैसा था, उसका विवाह कैसा है, उसका नौकरी कैसा है या व्यवसाय कैसा, उसका उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो सब हम नहीं जानते। और वो जो यूट्यूबर है वो भी उन 10 लाख जो लोग हैं उसके, उन लोगों के बस वो नाम ही जान सकता है, क्योंकि एक आदमी के लिए तो संभव नहीं है कि वो 10 लाख लोगों को जाने। हाँ मतलब वो देख सकता है कि ये सब्सक्राइबर ने ये कमेंट मारा मेरे चैनल पे, जो भी कोई कमेंट लिखा तो उसको याद हो सकता है कि अच्छा ये वो सब्सक्राइबर है, हमेशा कमेंट मारता है। तो ना तो वो यूट्यूबर उन लोगों को जानता है ठीक से, ना तो वो लोग इस यूट्यूबर को जानते हैं, वो तीसरा घर है। लेकिन वो लोगों के मिलने का भाव है, तो हो सकता है कि आप ज्यादा लोगों से मिले तो आपका सातवां घर भी एक्टिव हो जाए, आप अपने जीवन साथी से मिले। एकादश आपके दोस्तों का है, जो आपके घनिष्ठ मित्र जो है वो एकादश से देखा जाता है, और जो लोग आपको जीवन में आगे जाने की प्रेरणा देते वो भी एकादश से देखा जाता है। तो वहां पे भी ऐसा हो सकता है कि आपका तीसरा घर से कोई आपके एकादश में आ जाए, जैसा आप किसी को जानते हैं मान लो, जो तीसरा घर है बस जानते हैं, आप उसको जानते हैं वो आपको जानता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपका घनिष्ठ मित्र बन जाए, क्योंकि पैदाइशी से तो कोई किसी का दोस्त होता नहीं ना, माँ के पेट से। तो वैसा होता है कि आप किसी को जानते हो, उसके बाद शायद वो आपका जीवन साथी बन जाए या आपका दोस्त बन जाए, लेकिन पहले आपको जानना पड़ेगा पहले मिलना तो पड़ेगा, वो तीसरा घर जो है दूसरे लोगों को मिलना वो चीज, उसके बाद हमारे ये। तो अगर कोई आपका ग्रह है किसी भी अर्थ त्रिकोण में, तो उसमें ये क्षमता है कि इन तीनों घरों को वो एक्टिवेट कर दे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरी तो तीसरे घर की दशा चल रही है, तो मेरा सातवां घर कैसे एक्टिव हो रहा है, एकादश कैसे एक्टिव हो रहा है, ऐसे एक्टिव होता है। उसके बाद जो मोक्ष त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण क्या है, अंतिम त्रिकोण है वो, और सबसे जरूरी त्रिकोण वही है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष के अलग 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 स्तर पे आप मोक्ष की बातें कर सकते हैं। एक भौतिक स्तर पे अगर आप मोक्ष की बात करें तो वो हो जाता है कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, मतलब आपको दुख से मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गया है। ओके। लेकिन अगर आप थोड़ा ऊपर जाए उसे, तो जैसे कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नो अर्जुना, कि तुम कहीं भी चले जाओ अर्जुन, ब्रह्म लोक चले जाओ, भूलोक चले जाओ, कहीं पे भी 14 भुवन में कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन पुनरावर्ति नो अर्जुन, तुमको पृथ्वी लोक पे ही वापस आना है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी वही स्थान है जहां से हम, जहां पे हम वो कर्म करते हैं जो हमारा आगे का भविष्य जिस पे निर्भर होता है, कि हम स्वर्ग या वैकुंठ ऐसे जगह जाए या कहीं दूसरे जगह जाए, हम पितृलोक जाए या कहीं पे भी, अच्छा बुरा दोनों। तो इसलिए पृथ्वी को बहुत महत्व दिया गया है शास्त्रों में।
ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में कुछ होता नहीं, नहीं ऐसा नहीं, पृथ्वी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक ऊंचे स्तर पे मोक्ष हो गया कि आपके आपके चित्त से सारी भौतिक इच्छाएं चली गई है, सारे भौतिक विकार आपके जो है वो शांत हो गए, तो आपको कोई भी भौतिक इच्छा आपको तड़पा नहीं सकती है। ठीक है, तो वो एक ऊंचे स्तर पे मोक्ष हो गया, और उससे भी ऊंचे स्तर पे हो गया कि आपका पूरा भौतिक संसार से कोई लेना देना ही नहीं, आप पूरा आध्यात्म में आप इतना तरक्की कर गए कि आपका पूरा चित्त जो है पूरा साफ हो गया है। और कहते हैं कि किसी का चित्त जब पूरा साफ हो जाता है तो चतुर्भुज भगवान विष्णु का जो रूप है, चार भुजाओं वाला, उसके दर्शन उसको तुरंत हो जाते हैं। ये मैंने जब सुना तो मैं चौंक गया था। ये मेरे गुरु एक दिन कह रहे थे कि शास्त्रों में कहा गया है कि किसी का मन यदि 100% नियंत्रित है तो ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप, आपको कुछ करना नहीं है अलग से, चतुर्भुज विष्णु के दर्शन आपको उसी क्षण हो जाएंगे। आपको, मुझे लगता था कि नहीं, पहले मन को स्थिर करो फिर बाद में और कुछ करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है कुछ नहीं। तो कोई अगर कहता है कि मेरा मन स्थिर हो गया तो उसको अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे अपने हृदय में जो भगवान विष्णु बैठे वो दिख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मतलब कि ईश्वर सर्वभूतानाम, मैं सारे जगत का ईश्वर हूँ, भूत भूतानाम सारे भूत जो है, भूत मतलब पंच महाभूत, वो प्रेत आत्मा वाले भूत नहीं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय मतलब हृदय में स्थित हूं मैं, अर्जुन तिष्ठति। तो जब आपका मन संतुलित हो जाता है तो परमात्मा के दर्शन अपने आप हो जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ऊंचे स्तर पे वो मोक्ष हो गया, वो मोक्ष का सबसे उच्च स्तर हो गया कि आपका पूरे भौतिक चीजों से, पूरे संसार भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं, आप पूरा आध्यात्मिक स्तर पे आ गए हो। आप ये समझ गए हो थेरोटिकली, बुद्धि से नहीं, आप ये आपने इसका पूरा पूरा रियलाइज कर गए हो, आप अंदर से इसकी पूरी अनुभूति हो गई आपको कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो वो एक बहुत ऊंचा स्तर हो गया मोक्ष का। और उसके बाद फिर भगवान का दूसरा जो रूप है, जैसा जो चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप को आप फिर उसके और पास जा सकते हो, उसके बाद आप वैकुंठ जा सकते हो, जब वहां पे आप उनको उनसे फेस टू फेस आप देख के बात कर सकते हैं। लेकिन उसका पहला बिगिनिंग स्टेज ये है कि आपका मन पूरा संतुलित होना पड़ेगा। और वो चौथा घर है जो आपके मोक्ष त्रिकोण का भाव है। ठीक है, उसके बाद आठवां घर जो है वो देखिए, आठवां और बारहवां जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बारहवां जो है आपका आपका शैया सुख बताता है। तो बारवा घर में अगर किसी का कोई दिक्कत है तो उसको रात को नींद नहीं आती है, और आठवां घर जो है वो ये बताता है आप सुबह कितना उठ सकते हो जल्दी। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह उठने का क्या क्या इसका संबंध क्या है, इसका मतलब है कि जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, चौथा घर, ना तो वो रात को सो सकता है ना तो उठ सकता है। उठने का मतलब ये नहीं कि आप 3 बजे उठ गए या ना फिर आप नाच रहे हो, उसका वो मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी का हृदय शुद्ध है तो आप जब सुबह उठेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा नया जीवन मिला है मुझे, आज कुछ करना है। वरना फिर क्या होगा, आप सुबह उठते ही आप नाखुश, आपको अच्छा नहीं लगेगा,
आप सीधा मोबाइल पे व्हाट्सएप फेसबुक चेक करना चालू कर दो। आपका हृदय अगर शुद्ध है तो सुबह ब्रह्म संहिता सुनना चालू कर दोगे आप। वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम वरहावतम समसितम बुध सुंदरंगम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि अंगानी। कभी और करेंगे ब्रह्म संहिता पर चर्चा। तो जब ये 4-8-12 जब आपके दशाएं जिनकी चल पड़ेंगी, तो आपको एक अनुभूति मिलेगी कि मुझे किसी अपने जिंदगी अपने जीवन के किसी कोई एक ऐसी चीज है जो मुझे मोक्ष से दूर कर रहा है। वो क्या है? उसकी अनुभूति आपको होगी कि जब तक मैं इस चीज को छोड़ता नहीं हूं, मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता है। और मोक्ष मतलब मैं वो सबसे ऊंचा स्तर का बात नहीं कर रहा हूं, जैसे नीचे स्तर पे जिन मोक्ष का बात किया है मैंने, जिस लेवल पे जिस स्तर पे, उससे भी उस पे भी आपको चैलेंज आ सकता है कि अच्छा मैं इस आदमी से मिलता हूं, मेरा इससे आसक्ति है, तो इसके वजह से मेरा चित्त शांत नहीं है। तो 4-8-12 के स्वामी या 4-8-12 में जो ग्रह बैठे, जब वो उनकी दशा चल पड़ती है, वो सबसे अच्छा चीज है। क्योंकि उस समय आपको दिखेगा कि वो ऐसी क्या चीज है जो मुझे भगवान के और करीब जाने से रोक रहा है। वो क्या ऐसा चीज है? तो उसका साक्षात्कार, उसके दर्शन आपको होंगे। दर्शन होंगे का मतलब है कि वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो 4-8-12 को ठीक करने का बहुत आसान तरीका, अपना चित्त को शुद्ध रखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी चीजें पढ़िए। कि फालतू का पॉलिटिक्स, न्यूज, गॉसिप, किस देश का किससे लड़ाई होगा, हिंदुस्तान का लड़ाई होगा पाकिस्तान से, एनडीटीवी क्या कहता है, रिपब्लिक टीवी क्या कहता है ना, फिर यूनाइटेड नेशंस पे क्या हो रहा है। मैं बहुत सारे मेल मिलता है मुझे आजकल अब मेरे लैपटॉप में कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध होगा क्या। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर युद्ध हो भी गया तो तुम्हें क्या फायदा होगा उससे, या तुम्हें फायदा होगा कि तुम्हें नुकसान होगा। तो युद्ध होगा कि नहीं वो सरकार पे छोड़ दो, उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे चाहने सोचने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर युद्ध होने वाला होना है तो हो जाएगा, तुम सोचो ना सोचो, वो सरकार का काम है। लेकिन हमें अपना चित्त अशांत नहीं करना है ये फालतू चीजों पे जाके, वो किस क्रिकेटर का किस अभिनेता से शादी हो गया, तो हमको क्या लेना देना है। होने तो शादी हो रहा, सब कितने लोग का होता है, हमको क्यों इतना रुचि लेने का जरूरत है। हो रहा है तो हो रहा है, नुकसान नहीं है उसमें, लेकिन कुछ है भी नहीं। तो हमें अपना चित्त शुद्ध करना है। जैसे जब हम जैसे गीता जैसे ग्रंथ वो पढ़ेंगे, तो हमारा जो चित्त है और शुद्ध हो जाएगा। वो हमें दिखने लगेगा कि वो क्या चीज है जो हमें मोक्ष से दूर कर रहा है, हमारी शांति छीन रही है। और तब हमें नींद भी अच्छी आएगी, जो कि द्वादश भाव है, 12th हाउस, 12वां घर। और तब सुबह उठने में भी हमको अच्छा लगेगा। इसीलिए देखिएगा, जब भी आपके लाइफ में कोई भी समस्या है, समस्या मतलब बाहरी स्तर पे नहीं, जो आपके अंदर एकदम आपको चोट पहुंचती है ना, तो ये दो समय सबसे मुश्किल होता है। आप सोने जाइए, आपको नींद नहीं आएगा, वही चीज आपके दिमाग में चलता रहेगा 24 घंटे। और दूसरा समय, जैसे ही तुरंत आप उठोगे ना, आपके चित्त में वो चीज आ जाएगा। तो 4 का 8-12 से ऐसा लिंक है, तो इनकी दशा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बहुत लंबा हो गया ये वीडियो, बहुत बोला मैंने हिंदी पे, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।